अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज की है। हर गरीब और मुस्तहिक़ अफराद को अब फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 12,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नया फॉर्म आ चुका है, नई अप्लाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जिन अफराद का पहले कार्ड नहीं बना हुआ वो कार्ड बनवा सकता है। इसके अलावा जिनके कार्ड बने हुए हैं उनको भी 12,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाजमी से एंड तक देख लें, मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नीचे रेड कलर का एक बटन है, जल्दी से उस बटन पर क्लिक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, जो हम वीडियो बनाते हैं उस पर मेहनत होती है, उस मेहनत का फल हमें तब मिलता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, आज मुकम्मल मालूमात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई अपडेट आई है, नई अप्लाइयाँ शुरू हुई हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आप दोस्तों को बताऊँगा। सबसे पहले वो अफराद जिनके पहले कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं वो भी अपने दोबारा कार्ड बनवा सकते हैं। एक्सपायर इस वजह से हुए थे क्योंकि डाटा पुराना था, जिसकी वजह से फिर डाटा न्यू कलेक्ट किया और डाटा अपडेट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी कार्ड जो हैं वो एक्सपायर हो चुके थे। काफ़ी लोगों को वैसे भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से खारिज कर दिया है क्योंकि वो गरीब और मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन अगर आप शामिल होना चाहते हैं, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अब गरीब को ही गरीब का हक मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल साइट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहां से भी मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिशियल ट्विटर पेज है, आप वहां से भी इसकी मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का तरीकाकार सिर्फ आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊँगा। अभी तक ये अपडेट जो है न्यू अपडेट है, किसी ने भी नहीं बताई होगी आपको, मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप SMS के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई SMS के जरिए कैसे करना है वो देख लें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने SMS आप छोटे मोबाइल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका कार सेम वैसे है जैसे सास प्रोग्राम का है। आपने क्या करना है, 8171 लिखना है ऊपर, और उस पर आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो 13 डिजिट्स का कार्ड नंबर होता है, 33 20 3 36 102 35 302, जिस तरह भी शुरू होता है आपने वो कोड यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेंड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने सेंड उसी नंबर से करना है, मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। सेंड उस नंबर से करना है जिस नंबर पर आपका ID कार्ड हो, यानी जिस ID कार्ड पर आपकी सिम नाम है आपने वही ID कार्ड यूज़ करना है, उसी सिम से मैसेज करना है। यानी अगर आपका जैस का नंबर है और जैस का नंबर जो है वो आपके इस आईडी कार्ड पर नाम है जो आपने यहाँ पर लिखा है, तो फ्रेंड्स आप उसी से सेंड करें, उसी से आपकी अप्लाई होगी। अगर आप उससे अप्लाई नहीं करेंगे तो जैसा कि ये ऊपर देख सकते हैं कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने आज ट्राई किया, उसके बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे ये मालूम हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो हैं यहाँ पर, अभी नया फॉर्म नहीं आया, सिर्फ SMS की ये खबर मुझे मिली थी, ट्विटर पेज से एक अपडेट मिली थी, वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है कि 12,000 रुपये जो है वो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड दिखाकर आपको 12,000 रुपये की इमदाद मिलेगी। एहसास सेंटर से ही ये इमदाद मिलेगी। पहले उन तमाम अफराद को इमदाद मिल रही थी जिनका एहसास की जानिब से जिनको अहल किया गया था, लेकिन अब दूसरी दफ़ा जो इमदाद मिल रही है सिर्फ उनको मिल रही है जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड बना हुआ है। ये एहसास प्रोग्राम की जानिब से इमदाद, लेकिन ये आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड दिखाने पर ये इमदाद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, आप वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।